मुनानगर में विजिलेंस की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब विजिलेंस की टीम ने सूचना मिलने पर जगाधरी हलके के थाना बुढ़िया के एएसआई अनिल कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और विजिलेंस की टीम ने सूचना मिलने पर जगाधरी हलके के थाना बुढ़िया के एएसआई अनिल कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल 2 मार्च को दंपत्ति में हुए झगड़े को शांत कराने गए एएसआई अनिल कुमार ने पति और पत्नी के परिजनों को जेल में बंद करने की धमकी देकर 21 परिवार से 1,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद परिवार ने एएसआई को 10,000 रुपए देकर परिवार के सदस्यों को छुड़ाया। लेकिन इसके बाद भी एएसआई की ओर से बार बार बकाया रकम देने का परिवार पर दबाव बनाया गया था। सर 10,000 रुपए के साथ उन्होंने रंगे हाथ एएसआई अनिल कुमार जी को पकड़ा। यमुनानगर में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए भ्रष्ट अधिकारियों को रोकने के लिए जनता को जागरूक और इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की ज्यादा जरूरत है, ताकि भ्रष्टाचार पर प्रदेश में लगाम लग सके। जगाधरी से संवाददाता अजय खुराना की रिपोर्ट।